जय हिंद। नमस्कार मेरे शेर सैनिक, स्वागत है आप सबका अपने YouTube चैनल कमांडो अकेडमी में। दोस्तों आज का हमारा वीडियो स्पेशली SSGD के डॉक्यूमेंट्स को लेकर है। क्यों? क्योंकि आप सबको बता दूं, पिछली भर्ती SSGD 2021 और 2000 जो लास्ट वाली 23 वाली भर्ती है, इसमें लगभग 5500 बच्चों को आउट कर दिया है और कई बच्चों को ट्रेनिंग सेंटर से भी आउट कर दिया है। पिछला मैंने जो वीडियो बनाया था उसमें सिर्फ मैंने आपको बताया था कि SSC ने जिन बच्चों पर जांच जारी की है, एक तो उनकी लिस्ट जारी कर दी थी, लेकिन अब आप जो मेरे पीछे नोटिस देख रहे हो ना, उसमें BSF ट्रेनिंग से कई बच्चों को बाहर भी भेज दिया है। इसीलिए बहुत जरूरी है आप सबके लिए जानना कि SSC GD में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास में किस समय तक होने चाहिए, क्योंकि इसमें जो लिस्ट जारी हुई थी उसमें मैंने भी आपको पहले भी बताया था कि पूरे के पूरे बच्चे वो नहीं है जिनके फर्जी डॉक्यूमेंट्स है, उसमें कुछ बच्चे वो भी है जिन्होंने छोटी छोटी गलतियां की थी जिसके कारण भी उनका नाम लिस्ट में आ गया। कई बच्चे हैं जो मेरे संपर्क में हैं, क्योंकि जैसे ही उनकी परेशानी हुई, अगर आप देखना पिछले मेरे कुछ वीडियो के नीचे अगर आप कमेंट बॉक्स ओपन करोगे तो उसमें बहुत सारे बच्चों के ऐसे मैसेज होंगे कि सर मुझे आपसे बात करनी है, जरूरी बात करनी है, बहुत ज्यादा जरूरी है, मेरा पता नहीं क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, और मेरे को मेल भी लगातार करते जा रहे हैं इंफॉर्मेशन के लिए। तो आपकी भी ऐसी स्थिति ना आ जाए इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप इस वीडियो में एंड तक बने रहे। जो भी बच्चे SSC GD का अभी पेपर दिए हैं उन सबको बता दूं, सबसे इंपॉर्टेंट अगर आप ये नोटिस देखोगे, ये BSF की तरफ से नोटिस है, ठीक है, सेंट्रल इंटेलिजेंस सिक्योरिटी फोर्स की तरफ से, और इसी नोटिस के नीचे BSF की तरफ से एक नोटिस आया जिसमें उन्होंने ट्रेनिंग सेंटर से भी कुछ बच्चों को आउट कर दिया। आउट किस कारण से गया है? फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द डोमिसाइल सर्टिफिकेट रिगार्डिंग, मैंने बताया था पिछली बार जो लिस्ट लगाई थी उसके द्वारा भी कि कई बच्चों को उसमें बाहर कर दिया है। जो फिजिकल के समय आपका जो डोमिसाइल सर्टिफिकेट चेक होता है, यह देखना किस बेसिस पे होता है, यह आपके लिए बहुत जरूरी, ध्यान रखना। आपने फॉर्म भरते समय जो डोमिसाइल, मान के चलिए आप जहां से भी बिलोंग करते हैं, जिस जिले से बिलोंग करते हैं, जिस जिले का आपने डोमिसाइल यानी मूल निवास लगाया है, जब वेरिफिकेशन होता है तब आपको उसी जिले का लेके जाना है। कई बार क्या होता है कि आपने लगाया तो किसी और जिले का, आपने RSN ले लिया और फिर आप वहां पर किसी और जिले का लगा दिया, एक तो ये, ठीक है, इस गलती के कारण भी कई बच्चे फंसे हैं, लगभग 150 से 200 बच्चे इसके कारण फंसे हैं, ठीक है। उन्होंने क्या किया कि जैसे फॉर्म भरते समय जिला कोई और भरा था, वेरिफिकेशन में कुछ और भरा था, वहां पर उन्होंने एप्लीकेशन भी लिखी कि भाई बाई मिस्टेक हमसे ये भरा गया, लेकिन फिर भी वो जांच के दायरे में आ गए, ठीक है। हाँ, कईयों के मिसप्रिंट हो जाता है, फिजिकल वेरिफिकेशन के समय एप्लीकेशन लिखते हैं कई प्रकार की, जैसे कईयों के फिंगर नहीं आते, वो भी इसमें लिस्ट में जिनके फिंगरप्रिंट्स नहीं आए एग्जाम और फिजिकल के समय, वो भी ये ध्यान रखना, केवल डॉक्यूमेंट्स वाले, वो मूल निवास वाले नहीं, वो भी है। दूसरा, जिन बच्चों ने दूसरे स्टेट के डोमिसाइल बनाए, उनकी ना तो एजुकेशन वहां की है, प्लस उनके मदर और फादर के जब डॉक्यूमेंट्स चेक किए गए तो उनके फादर और मदर ना तो कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, एक कर्तक है, या घरेलू कोई काम करते हैं, कोई गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, और उनका जो एड्रेस है वो किसी और स्टेट का है, और बच्चे का जो एड्रेस है वो किसी और स्टेट का है, अब वो जांच में आ गए हैं। साथ ही उनका जो पिछला डोमिसाइल है, यानी जो पहला उनका डोमिसाइल है वो मान के चलिए यूपी का है, और दूसरा डोमिसाइल उन्होंने असम का बना लिया या बंगाल का बना लिया, वो फंस गए सारे के सारे, क्योंकि डोमिसाइल की जो लिस्ट है इन्होंने चेक जब की तो पता चला कि कई ऐसे डोमिसाइल है जो कि विदन 6 मंथ यानी मात्र 6 महीने पहले बनाए हुए हैं, वो सारों को तो बाहर निकाल दिया ट्रेनिंग से भी। किनको निकाल दिया? ध्यान रखना, पूरे 5500 बच्चों को बाहर नहीं निकाला, क्योंकि इसमें से 2021 वाले जो बच्चे हैं उनकी तो आप सोच के चलिए 2 से 3 साल नौकरी भी हो गई है, और 3 साल बाद में एक परमानेंट जॉब भी हो जाती है, 3 साल तक परमानेंट नहीं होती, 3 साल बाद में पक्की नौकरी हो जाती है, जिसको बोलते हैं पक्की नौकरी, ठीक है। लेकिन जिनके 6 महीने पुराने डोमिसाइल थे और उससे पहले जो डोमिसाइल था वो किसी और स्टेट का, जब उनके एड्रेस पे अब जांचे होगी, ठीक है, ध्यान रखना, अब जांचे होगी उनके एड्रेस पे, तो आप भी अगर ऐसी गलती कर रहे हैं तो इस गलती के चक्कर में मत फंस जाना। अगर आपके पास में रियल में ऐसा है कि आप रहने वाले कहीं और के किसी और स्टेट का आपने डॉक्यूमेंट बनाया और आप वहां रहने लग गए, आपके पास में वहां के सारे ID प्रूफ है, तो मान के चलिए कि 2-3 साल पुराने, तब कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन आपने सिर्फ इस भर्ती के लिए बनाया है और किसी और स्टेट से आप बिलोंग करते हैं किसी और स्टेट से, तो आप फंस जाओगे, ठीक है। ये सब इसमें फंस चुके हैं, कई बच्चों को बाहर कर दिया है। फ्यूचर ऑफ द आउटकम ऑफ द वेरिफिकेशन बी अपॉइंट द डायरेक्शन बाय 15/4/2024 यानी 15/4/2024 फॉर द
थोड़ा सा क्लियर नहीं दिख रहा है। सीआरपीएफ की तरफ से जो नोटिस जारी हुआ था ना उसके बारे में, जो ये 15/4 है इस तक सभी पर एक्शन हो जाएगा, जो भी लिस्ट जारी हुई है ना उन सब पे, यानी 15 अप्रैल तक उन सब पे क्या हो जाएगा, एक्शन हो जाएगा। और उन सब में से जो जो गलत पाए जाएंगे, एक बार के लिए हो सकता है सबको बाहर कर दे, और उनमें से जो जो गलत पाए जाएंगे, यानी डोमिसाइल वाले तो पक्का गलत पाए जाएंगे। इसीलिए आप सब ध्यान रखना, सबसे इंपोर्टेंट अगर कोई डोमिसाइल है एसएससी जीडी की भर्ती में, सबसे इंपोर्टेंट कोई डॉक्यूमेंट है तो एक तो है आपका मूल निवास, ठीक है, इनमें बिल्कुल गलतियां मत करना। एक तो मूल निवास, दूसरा आपके 10th क्लास की मार्कशीट, तीसरा आपकी डीओबी, यानी सभी डॉक्यूमेंट्स में आपकी डीओबी बिल्कुल सेम होनी चाहिए, ठीक है, ये बिल्कुल सही होना चाहिए, इसमें कहीं मिस्टेक नहीं होनी, भले ही आपकी 12th की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद में आपके माता पिता की एक एक आईडी, माता पिता, इन आपके माता पिता की आईडी में अगर नाम में प्रॉब्लम है या एड्रेस में प्रॉब्लम, यानी जो आपके माता पिता के आधार कार्ड में एड्रेस है वही आपके आधार कार्ड में या मूल निवास में एड्रेस होना चाहिए, ठीक है, जो आपके माता पिता के एड्रेस है आधार कार्ड में वो सेम एड्रेस आपके किस में होना चाहिए, आपके भी मूल निवास में होना चाहिए। अगर ये नहीं पाया गया तो आप पक्के फंसोगे, आज नहीं तो कल फंसोगे। माता पिता की फिजिकल वेरिफिकेशन के समय कोई डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए, फिजिकल वेरिफिकेशन जो वेरिफिकेशन होगा उसमें देखो आपका एक तो चाहिए मूल निवास, एक 10th क्लास की मार्कशीट, एक आपका आधार कार्ड, इसके अलावा कास्ट सर्टिफिकेट यानी जाति प्रमाण पत्र, ये डॉक्यूमेंट एक होंगे, मूल निवास सबसे इंपोर्टेंट, 10th क्लास की मार्कशीट, डीओबी सब में सेम होना चाहिए, आपका जो नाम है वो सभी डॉक्यूमेंट्स में बराबर होना चाहिए हिंदी और इंग्लिश में, अगर उसमें कुछ मिस्टेक है तो करेक्शन अभी करा लीजिए, नहीं तो बाद में पक्का फंस जाओगे, ठीक है, ध्यान रखना आपके नाम में कोई भी करेक्शन है वो अभी करा लेना, आपकी जितनी भी आईडिया उसमें, आपका मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, 10th क्लास की मार्कशीट, ये जो तीन डॉक्यूमेंट है ये सबसे इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स है, इनका आपको पूरा ख्याल रखना है, ध्यान रखना ये जो तीन डॉक्यूमेंट्स है वो आपके सबसे इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, मूल निवास, कास्ट सर्टिफिकेट, 10th क्लास की मार्कशीट, ठीक है, आधार कार्ड का एड्रेस आपके मूल निवास के अनुसार होना चाहिए, आपके माता पिता का एड्रेस भी आपके मूल निवास के अकॉर्डिंग होना चाहिए, क्योंकि जब आप ज्वाइन करोगे तब उनकी आइडिया लगेगी, तो सबसे ज्यादा जरूरी अगर कोई चीज है तो वो ध्यान रखना, ये डॉक्यूमेंट्स है, इनमें कोई भी गलती मत करना। अगर आपकी कोई समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, मैं कोशिश करूंगा आपको रिप्लाई करने की, लाड लो।